आज बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। कितना बड़ा विज्ञान छुपा है इसके पीछे। धर्म से जोड़ दिया उस विज्ञान की बात को कि भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दो श्रावण मास का दूध तो पुण्य मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा है कि लोग बीमारियों से बचेंगे अगर भोले बाबा के ऊपर दूध चढ़ा देंगे। किसी को भी दूध नहीं पीना चाहिए। हालांकि कई सारे तथाकथित लोग बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो श्रावण मास आते ही जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कितने भोले लोग अपने हिंदुस्तान के हजारों लीटर दूध नालियों में बहाया जाता है, अगर ऐसा दूध तो गरीबों को पिलाएं तो कितना पुण्य मिलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोग बाकी समय कहाँ जाते हैं, सिर्फ श्रावण मास में उनको गरीब लोग याद आते हैं, बाकी समय याद क्यों नहीं आते? क्या श्रावण मास का दूध उन गरीब लोगों को पिला करके उनके घुटने दर्द करवाने हैं, उनको बीमार करना है, उनके और पैसे खर्च करने हैं क्या? करता है क्योंकि छाछ में फर्मेंटेशन की मात्रा होती है, लेकिन भादवे में नहीं खाए क्योंकि भादवे में खाओगे तो आपकी आंतों को खराब करेगी वो छाछ, इसलिए भादवे में दही छाछ नहीं खाए, इस बात का ध्यान रखें।